नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ धाम का दौरा फिर स्थगित। मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं हो पाया लैंड। अब तक मुख्यमंत्री के दो बार दौरे हो चुके हैं स्थगित। महालक्ष्मी योजना का उधम सिंह नगर के जसपुर में शुभारंभ। विधायक आदेश चौहान ने किया योजना का उद्घाटन। 32 माताओं को किया गया महालक्ष्मी किट वितरित। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ का रुद्रपुर दौरा। कहा एकजुट कर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परचम फहराना ही उनकी प्राथमिकता। भाजपा पर भी साधा निशाना। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी। बारिश के बीच पुरोहितों ने किया प्रदर्शन। बोर्ड के भंग होने तक जारी रहेगा आंदोलन। पीआरडी के जवान को अवैध वसूली करना पड़ा भारी। खुद को एमडीडीए का कर्मचारी बताकर वसूल रहा था भवन मालिकों से 5,000 रुपए। वसूली का वीडियो बनाकर किया आरोपी को पुलिस के हवाले। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नहीं पहुंचे केदारनाथ धाम यात्रा पर। आपको बता दें कि मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री धामी को केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य करने का निरीक्षण करना था। आपको बता दें मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार केदारनाथ पहुंचना था। अब तक मुख्यमंत्री के केदारनाथ धाम के दो बार के दौरे स्थगित हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों के साथ भी वार्ता करनी थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। जी शैलेंद्र, बताया आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा होने वाला था केदारनाथ धाम में, लेकिन वो नहीं पहुंचे। क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? कि मौसम खराब होने के कारण पुष्कर सिंह धामी वहां केदारनाथ धाम नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा दो बार हुआ है। इसके पहले भी एक बार वहां जाने की कोशिश की, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनको हेलीकॉप्टर से लौटना पड़ा। उनके साथ मुख्य सचिव और मुख्य अपर सचिव दोनों मौजूद थे, लेकिन वो लोग वापस आ गए। सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ धाम में जो काम चल रहा है उसको जमीन पर जाकर के अपने स्तर से उसका निरीक्षण करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नरेंद्र मोदी का, जो प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें वहां पर जो काम चल रहा है उसमें किसी भी तरह की कोताही ना हो, इसको लेकर के जब से मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, तो इनका एक है कि वहां पहुंच करके जो जमीन स्तर पर काम चल रहा है उसका जायजा लिया जाए, बारीकियों से वहां काम की जांच की जाए। साथ ही जो बोर्ड के साथ चल रहा है इनका टकराव चल रहा है देवस्थान बोर्ड से, उन पंडों से भी इनकी बात की चर्चा थी कि उस मामला को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, उनसे बात करके। आयुषी जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र आपका। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री केदारनाथ दौरे पर होने वाले थे, लेकिन वो आज पहुंच नहीं पाए।
उधम सिंह नगर के जसपुर में महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया। बाल विकास परियोजना की तरफ से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन जसपुर विधायक आदेश चौहान ने किया। योजना की शुरुआत में 32 माताओं को महालक्ष्मी किट वितरित भी की गई। इस योजना के तहत पहली दो बेटियां होने के बाद इस योजना का लाभ मिल सकेगा। साथ ही जो महिला पहले से ही सरकारी योजना का लाभ ले रही है उसे इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। तो पहली दो बेटी होने पर उनको ये किट दी जाएगी, उसमें बच्चियों के लिए और माता के लिए, क्योंकि तौलिया, साबुन, पाउडर और ब्लैंकेट, मतलब कई चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो ज़रूरत की हुई वो दी गई हैं। और 32 लाभार्थियों को आज दिया जाएगा। और उसमें ये है कि जिनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिला उन माताओं को मिलेगा। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मल्ला महल में निर्माणाधीन म्यूजियम जल्द ही चंद और कत्यू राजाओं के इतिहास से नई पीढ़ी को रूबरू कराएगा। चंद राजाओं के समय बने मल्ला महल नाम के इस किले को इन दिनों म्यूजियम में तब्दील करने का कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से जल्द इस म्यूजियम में यहाँ के ऐतिहासिक तथ्यों को संरक्षित किया जाएगा। इसी के चलते डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने राजकीय संग्रहालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस म्यूजियम को ऐतिहासिक बनाया जाएगा, जिससे कि लोगों को कत्यू राजाओं से लेकर चंद राजाओं के बारे में जानकारी मिले। जो हमारा मल्ला महल में म्यूजियम बन रहा है उसको भारत सरकार प्रायोजित करना में इच्छुक है, और भारत सरकार ये भी चाह रही है उसमें कि उसके अंतर्गत हम लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल हम लोग बनाकर भेज रहे हैं तथा उसको म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में कन्वर्ट किया जाए। तो म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में, क्योंकि हमारे चांद, कत्यूर राजा और अन्य अन्य जो भी हमारी अल्मोड़ा शहर से की हिस्ट्री से जो जुड़े वो प्रसंग रहे हैं उनको हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी में से एक प्रसंग हमारा फ्रीडम फाइटर पूरी गैलरी है, और उसको उसमें दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे अल्मोड़ा के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने पूरा देश की उसमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम में पूरा अपना योगदान दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ रुद्रपुर पहुंचे। आपको बता दें कि यहां उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बेहड़ ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बनाए, जिससे साबित होता है कि बहुमत की यह सरकार न सिर्फ हर मोर्चे पर बल्कि नैतिक रूप से भी असफल हुई है। बेहड़ ने कहा कि कांग्रेस को गतिमान करना, कार्यकर्ताओं के मतभेद दूर करना, सबको एकजुट कर आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस का परचम फहराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को देहरादून में प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक में चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इंचार्ज बनाया गया है, जिसमें से 9 विधानसभाएं उधम सिंह नगर की हैं, 11 विधानसभाएं हरिद्वार जनपद की हैं। देहरादून कैंट विधायक हरबंश कपूर एवं जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बिंदाल नदी किनारे सत्तोघाटी गांधीग्राम में मलिन बस्ती का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी किनारे बसी आबादियों को मॉनसून सीजन में जलभराव एवं भूस्खलन से बचाव के लिए नगर निगम, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। निरीक्षण में विधायक ने कहा कि स्थानीय लोगों को बरसात में होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को क्षेत्र में साफ सफाई और जल भराव पर नजर रखने के निर्देश भी दिए। सातवां वेतनाम लागू करने व संविदा कर्मियों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग को लेकर बागेश्वर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। कर्मचारियों ने सरकार व विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें निदेशक द्वारा केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि सैनिक कल्याण अधिकारी और निदेशक की ओर से आंदोलन की सुध नहीं लेने के कारण उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। एक
जितने भी जिला सैनिक बोर्ड में जितने कर्मचारी हैं सभी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के नियम के अधीन ये इनकी नियुक्ति है और उनके नियम के अधीन ये काम करते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की नियमावली में कहीं नहीं लिखा है कि कर्मचारी जो है आउटसोर्स से लिए जाएं या उपनल से लिए जाएं। और जो हमारी फंडिंग है वो 75% केंद्रीय सैनिक बोर्ड से है जिसका कि सरासर दुरुपयोग किया जा रहा है। उपनल को जो है टैक्स के रूप में करोड़ों रुपया हर साल जा रहा है। जो हमारे जो पूर्व सैनिक और जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर आते हैं और बैरंग वापस लौट जाते हैं लेकिन मजबूरी है। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है जहां देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी है। बारिश के बीच पुरोहित केदारनाथ मंदिर परिसर में आंदोलन करने में जुटे हुए हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक बोर्ड को पूर्ण रूप से भंग नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन पिछले 1.5 महीने से जारी है। पुरोहितों का कहना है कि बोर्ड का गठन होने से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। चारों धाम में जो धरना है वो अभी तक जारी है और जारी तब तक रहेगा जब तक ये पूर्ण रूप से सरकार इसको रद्द नहीं करती है। और एक तरफ से सरकार कह रही है कि आपके आपको बिना संज्ञान मिले कोई भी काम हम नहीं करेंगे और केदारपुरी में स्थानीय अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों के न होने के बावजूद भी बिना केदारपुरी को संज्ञान में लिए हुए यहाँ पे उनकी धर्मशाला को नापा जा रहा है और छेड़खानी की जा रही है जो कि सरासर गलत है। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के बयान के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके कैंप कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और कहा कि विधायक के बयान के कारण नगर की जनता का अपमान हुआ है। यह शिक्षा नगरी है और यहां के लोगों को अनपढ़ कहना किसी अपराध से कम नहीं है। आप नेता सुनील सिंघल ने कहा कि विधायक के कारनामों से जनता त्रस्त है, नगर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। शिक्षा नगरी की जनता का अपमान हमारे विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा किया गया है। रुड़की की जनता को अनपढ़ बताया गया है। रुड़की शिक्षा नगरी इंजीनियरों का शहर कहलाता है और ये पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड के अंदर मशहूर है। और उस शहर की जनता को बताओ, हमारे विधायक विधायक जी बता रहे हैं कि ये अनपढ़ है जी, ये बात है। ऐसा है, एडिटिंग अगर है तो उसका जो ओरिजिनल वीडियो है उसको अपलोड कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेगी और रुड़की की जनता से भी आग्रह करेगी कि वो भी ऐसे नकारा विधायक का, नकारा जनप्रतिनिधि का विरोध करे। विधायक जी अपनी बात घुमा फिरा रहे हैं, आप एक काम करो ना, जो असली वीडियो है वो जारी कर दो। अगर उनको अपनी सफाई देनी है, देखो जिस पर आरोप लगता है सफाई उसी को देनी होती है, वो पूरा वीडियो उसका अपलोड कर दो कि भाई मैंने ये सब इस तरह नहीं इस तरह कहा था, तो बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं, वो 3 दिन से 4 दिन से वीडियो तो। रुड़की की जनता ने मन बना लिया है, रुड़की की जनता ने सोच लिया है। जिस तरीके से सड़कें चोरी हो रही हैं, जिस तरह के काम हो रहे हैं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, तारों की समस्या जिस तरीके से हो रही है, रुड़की की जनता ने मन बना लिया कि इस बार इस नकारा विधायक को बिल्कुल चुन के नहीं भेजेगी। उत्तराखंड के थराली में देवसारी जल विद्युत परियोजना का निर्माण करा रही सज्जुल जल विद्युत निगम पर क्षेत्र के युवकों ने रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। दरअसल पिछले 10-12 सालों से विभिन्न पदों पर कार्यालय युवाओं को सज्जुल कंपनी के बिना कारण बताए हुए नौकरी से हटा दिया गया, जिसके बाद प्रभावित युवकों ने सज्जुल कंपनी के कार्यालय पहुंचकर प्रबंधक से मुलाकात की और दोबारा नौकरी पर बहाल करने की मांग भी की। अवधि समाप्त हो गई, चूंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त हो गई थी तो उपनल द्वारा उन लोगों को निकाल दिया गया और उपनल ने उनके लेटर में लिखा है कि जब कभी उन्हें कहीं जरूरत होगी तो उपनल उन लोगों को ले लेगा। इस संबंध में जहाँ तक परियोजना का प्रश्न है, परियोजना में जब भी निर्माण कार्य आरंभ होगा तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है, गारंटी है कि यहाँ क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। जब ये घर भी कर रहे हैं और नौकरी से भी निकाल दिया है, जो मेरे पास रोजगार भी था वो भी इन्होंने छीन दिया। अब मेरे पास रोजगार का कोई चारा नहीं है, जो भी मेरे पास पैसा था वो सारा खर्च हो गया। अब इन्होंने घर से भी अगर तो कर रहे हैं, इन्हें नौकरी से भी हमें निकाल दिया गया। परियोजना यहाँ पर 2006 में आई थी, 2008 से मैंने काम किया है, मेरे पास 13 साल इस परियोजना में हो चुके हैं। और बात यह है कि हम इतने सालों से यहाँ पर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में काम करने के बावजूद हमें जो है
29 मार्च 2021 को हमारे हाथ पर लेटर बतौर दिया जाता है कि बोला कल साहब काम पे नहीं आइएगा, जबकि भारत सरकार का लॉ नियम ये बोलता है कि एक महीने पहले का उसको लेटर दिया जाता है कि आपको अपना काम हम छोड़ने जा रहे हैं और आप जो इस काम को कल सा अब एक महीने बाद आप इसको छोड़ोगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर पे कार्यरत हूँ मैं, अपने आपको अपने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे चुनाव ड्यूटी से लेकर के जहाँ पे मेरी जरूरत पड़ी है, जिस कर्मचारी को लेकर के मेरी जरूरत पड़ी उस कर्मचारी को मेरा इस्तेमाल हुआ है, मेरे को उस तरीके से इस्तेमाल किया। उधम सिंह नगर के किछा में सड़क के बीच कीचड़ और दलदल होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू के नेतृत्व में तमाम लोगों ने प्रशासन नारेबाजी कर रोष जताया। स्थानीय लोगों ने कहा कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों द्वारा झूठे वादे कर जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है, वहीं चुनाव जीतने के बाद स्थानीय लोगों की लगातार अनदेखी की जाती है। आक्रोशित लोगों ने भाजपा विधायक राजेश शुक्ला और नगर पालिका चेयरमैन दर्शन कोहली के खिलाफ भी कई आरोप लगाए। उत्तराखंड के सेलाकोई थाना क्षेत्र में पीआरडी के जवान को अवैध वसूली करना भारी पड़ गया। क्षेत्र में कई स्थानों पर नए भवनों का निर्माण चल रहा है, ऐसे में पीआरडी जवान ने एमडीडीए के कर्मचारी बनकर मकान का नक्शे चेक कर 5,000 रुपए की अवैध वसूली कर ली। जब स्थानीय लोगों को उस पर शक हुआ तो उसे दबोच लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में ये सामने आया कि पीआरडी जवान पहले एमडीडीए में तैनात था। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां बाघोरा गांव में बटेसर की चक्की के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका का मुआयना कर शव को पानी से बाहर निकाला, साथ ही शव को अस्पताल की मोर्चरी में भी रखवाया गया। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लक्सर में लोगों ने मास्क से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। तीसरी लहर आने की संभावना भी बनी हुई है, फिर भी बाजारों में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोगों ने सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना लगभग बंद कर दिया है। लक्सर प्रशासन भी लापरवाही बरतने लगा है। जब लक्सर के बाजार का जायजा लिया गया, बाजार की जो तस्वीर देखने को मिली वह बहुत ही भयावह है। बहुत कम लोग ही मास्क लगाए दिखाई दिए, लोग पूरी तरह लापरवाह नजर आ रहे हैं। सरकार भले ही तीसरी लहर को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है, लेकिन लक्सर में आम आदमी कोरोना के प्रति बिल्कुल गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों में तो बता ही रहे हैं, लेकिन बड़ों में भी काफी प्रभाव डालेगी और लग रहा है कि जब आएगी तो इस स्थिति में होंगे कि लोग समझ नहीं पाएंगे। और अभी इतनी लापरवाही क्षेत्र में है कि सभी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, और देहात में तो है ही, कस्बे में भी सुबह से शाम तक मार्केट में ऐसे घूमते रहते हैं लोग, पर इसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखो अभी केरल में आपने देखा ही कि क्या पोजीशन चल रही है, दिल्ली में दोबारा सा हो गया, उत्तर प्रदेश में तो नहीं अभी जो है बाकी सभी राज्यों में बढ़ने लग गया है केस जो है। और अगस्त में इसकी तीसरी लहर लग रहा है कि आएगी, लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए क्योंकि बाद में इसका कोई रोकथाम नहीं है। जो लोग घूम रहे हैं उनको हम लोग जो है नगर पालिका की गाड़ी आज हमने बच्ची मोबिलाइज की है, जिसमें हमने उनको मोटिवेट किया है, अनाउंस करवाया है कि सब लोग मास्क पहने, क्योंकि बीच में थोड़ा लोग रिलैक्स महसूस कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। साथ साथ में मैंने स्वयं जो है बीच में अभियान चला करके चालानी कार्रवाई की है और हम इसको आगे बढ़ाए। खटीमा वन निगम के डिपो नोगवा सेकंड में व्यापारियों ने हंगामा किया। व्यापारियों ने नीलाम में ली गई सोगन की जड़ घटाने का आरोप भी लगाया। व्यापारियों का कहना है कि 100 घन मीटर माल उनके द्वारा खरीदा गया था, लेकिन मौके पर 70 घन मीटर ही माल मौजूद मिला। माल कम होने से उन्हें घाटा हो रहा है। इस मामले के उठने के बाद प्रभागीय विक्रय प्रबंधक वन विकास निगम ने पूरे मामले को लेकर जांच करने की बात कही है। व्यापारियों ने कर्मचारियों पर लकड़ी चोरी करने का भी आरोप लगाया।
संदेह तो लग रहा है मेरे को, हो सकता कुछ होगा, तो मैंने इनको जोशी जी को बैठा दिया है, एक दूसरे को भी, और इसको कमेंट करके मैं उसको जांच करूंगा, देखूंगा कि वास्तव में अगर उनके द्वारा किसी कर्मचारी के द्वारा अगर इसमें किसी अनियमितता बरती गई है तो उसका स्वाभाविक है उसको उसमें कुछ पनिशमेंट मिले। हमारे द्वारा सौ मीटर यहाँ ली गई थी, जिसको हमने जब भरा उसमें हमें लगा कि ये कम हो रही है। हमने जब स्केलर से कहा तो उसने हमें असंतुष्ट जवाब दिया, अपने मन चाहे रवन्ने काटने चाहे। हमने कहा हमारी गाड़ी की आप नफ़त करके दे दें, जो हमारा माल आ रहा है घटती, आप उसको बताएं क्या हल है। तो इस पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, तो हमने इनके आला अधिकारियों की शिकायत करी, जिस पर वो मौके पर आए हैं और उन्होंने जाँच के आदेश दिए। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगड़ और नरकोटा में रुद्रप्रयाग और चबोली की जनता के लिए नासूर बन गया है। बरसाती सीजन शुरू से लेकर अब तक सिरोबगड़ और नरकोटा में लगातार भूस्खलन जारी है। हाईवे के बंद होने से सबसे अधिक दिक्कतें मरीजों को हायर सेंटर रेफर करने में हो रही है, जबकि आवश्यक सामग्री से लदे वाहनों के कई दिनों तक हाईवे पर ही फंसने से दोनों जिलों में सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और सब्जी, फल, दूध सहित अन्य सामान सड़ गल कर खराब हो रहे हैं। केदारनाथ हाईवे दो दिनों से रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में 6 किलोमीटर आगे भटवाड़ी सैंड में बंद पड़ा है। आपको बता दें यहाँ पर पहाड़ी से लगातार बोल्डरों की बरसात हो रही है। पहाड़ी में मलबा और बोल्डर इतने गिर रहे हैं कि हाईवे को खोलने में मुश्किल हो रही है, जिस कारण रुद्रप्रयाग जनपद की आधी से अधिक आबादी को 30 से 35 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करके आवाजाही करनी पड़ रही है। डीएम मनोज गोयल ने कहा कि डेंजर जोन वाले स्थानों पर मशीनों को तैनात किया गया है, जिससे राजमार्ग पर किसी भी परेशानी किसी को भी न जूझना पड़े। देख रहे हैं उसकी मशीनें ऑलरेडी लगी हुई हैं, पर्याप्त मात्रा में मशीनें लगी हुई हैं, लगातार काम कर रही हैं। पूरी प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जो है रास्ते सारे खुलवा दिए जाएँ, और पिछले 10 दिनों में थोड़ा बारिश होने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, परंतु मशीनें लगी हुई हैं, लगातार काम कर रही हैं। जल्द से फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।